क्रमांक दूसरा, ठीक है। आकृति पुरानी किताब के अनुसार देखिए 6:30 में जिसमें दिया है ए बी समांतर सी डी के और ई एफ लंबा है सी डी पर, जिसपे जैसा कहा है वैसा अपन काम कर लेते हैं इसमें कि ए बी समांतर किसके है, ए बी समांतर है सी डी के। ए बी समांतर सी डी और ई एफ लंबा है सी डी पर, ई से लंबा है, ठीक है, ये ई एफ लंबा है सी डी पर, और जहां पर लंबा होता है मतलब उस पॉइंट पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये अगर 90 डिग्री का तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब इस पर देखिए कोण की माप दी गई है, कोण जी ई डी, तो जी कहीं पर रहेगा यहाँ पर, यहां से आ रहा है, ठीक है, ठीक। क्या नाम दिया है उसका, जी जी ई डी, ये पूरा कोण कितना डिग्री का, 126 डिग्री का, कितने डिग्री का है, 126 डिग्री दिया है, ठीक है। और दूसरे कोण की माप ज्ञात करना है जिसमें ए जी ई, ए जी ई कहां पर है, ए जी ई, कौन से कोण को ज्ञात करना है आपको, ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। और देखेंगे जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। और कौन सा कोण ज्ञात करना है इसमें, एफ जी ई, एफ जी ये वाला कौन ज्ञात करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई समस्या इसमें, अब देखेंगे इसमें इस हल करने से पहले इसकी प्लानिंग कर लेंगे अपन कैसे हल करना है, ठीक है। तो तरीके क्या क्या हो सकते हैं इसको हल करने के, एक तो आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, ई के, इस पूरे कोण के, किस कारण से, एकांतर कोण से, कौन से कोण से, ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर है, ठीक है, जिसके कारण से ये जो तिरेक रेखा जा रही है इसके कारण से ये वाला जो कोण बन रहा है इस कोण के बराबर होगा, एकांतर अंतर कोण के बराबर, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो इस कारण से ये वाले कोण को हम इसके बराबर बता सकते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक कोण की माप तो हमें डायरेक्टली क्या हो जाएगी, अब उसके लिए लिखना है, और दूसरा कोण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक तो ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए का है, बताओ इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये 90 डिग्री का पूरा कितने का है, 90 डिग्री का, या इसको 90 डिग्री का लो, ये 90 डिग्री का, ठीक है, और ये पूरा 126 डिग्री का, जब 126 में से अपन ये इतनी शीट काट देंगे तो इतना कोण का मान बचाएगा कि नहीं, ये भी आ जाएगा 126 में से अगर अपन 90 घटा दे तो ये वाले कोण की माप आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से इसको भी करना है कि ये पूरा कोण कितने का 180 डिग्री, इसमें से अपन ने इसको बता दिया कितने डिग्री का, 126 डिग्री, ठीक है। और 126 का अगर ये हो गया है तो 180 में से 126 को घटा दूंगे कितने डिग्री का आ जाएगा, 54 डिग्री, ठीक है। तो सारी प्लानिंग आ गई है, उसको लिखना है, ठीक है। तो हल में है, चूंकि ए बी समांतर किसके है, ए बी समांतर सी डी के, ठीक, और ई एफ क्या है, ई एफ लंबा है सी डी पर, ये यहां तक क्लियर हो गया, ये तो प्रश्न में दिया है, ठीक है। और कोण की माप क्या दी गई है, इसे दिया है लिख लेना यहां पर, ठीक है, कोण क्या दिया है इसमें, जो प्रश्न में उसका नाम दिया है उसी अनुसार लिखना, ठीक है। कोण जी ई
एवं क्या जाएगा कौन का नाम बोलो DEF बराबर 90 डिग्री का क्यों क्योंकि EF लंबा है CD पर उस कारण से ठीक है यहां तक क्लियर हो गया समझ में आ गया अब अपन कौन सा मान निकाल सकते हैं इसमें ये इसका नाम क्या है इसका नाम क्या दिया है GED ठीक है कौन GED बराबर कितना है 136 डिग्री है ठीक है 126 डिग्री ठीक अब इसका पूरा नाम इसमें देखो इसमें दो कोण आ रहा है एक तो ये वाला कोण भी आ रहा है एक ये कोण भी आ रहा है जिसमें ये वाले कोण की माप हमें क्या करना है ज्ञात करना है ज्ञात कैसे करेंगे एक शीट समझ लो इसको एक कागज की शीट है जिसमें ये एक शीट जुड़ी हुई है इसके साथ ठीक है अगर हम यहाँ से इसको कैंची से काट दे 90 डिग्री का कोण काट दे तो हमें ये वाले शीट बच जाएगी मतलब इतने कोण की माप हमें मिल जाएगी ठीक है क्लियर हो गया तक इसलिए अब इसको 126 तो दिया है इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से कोण याद हो जाए मिलेंगे 126 को ऊपर लिखा है इसमें पर इसका पूरा नाम बताना क्या है पूरा इसके कौन 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 से जुड़े हुए इसमें एक तो डी ई एफ प्लस क्या क्या करना है वो कौन सा नाम बताना जी ई एफ ठीक है क्या नाम है इसका जी ई एफ प्लस कौन क्या नाम है इसका डी एफ ठीक है बराबर कितना है 126 ठीक है इस कोण का मान कितना दिया है 126 डिग्री ठीक है जिसमे से ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का ठीक है बराबर क्या ज्ञात करना है आपको ये वाले कोण की माप ज्ञात करना है कहाँ से ज्ञात करना है अब इसके आगे से ज्ञात करना है ठीक है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कोण जीई एफ प्लस ये कितना हो गया 90 डिग्री बराबर कितना दिया है 126 डिग्री क्लियर हो गया तक ये 90 यहाँ पर प्लस में उधर जाकर माइनस में ठीक है तो कोण क्या बच जाएगा जी ई एफ बराबर कितना है 126 डिग्री माइनस 90 प्लस का इधर आके माइनस हो गया तो कितना आ गया घटा लो कितना आ जाएगा ठीक कितना आ गया 36 डिग्री ठीक है और अब ये वाला कोण याद करने के लिए अपन क्या लेंगे ए जी ई प्लस क्या करेंगे उसमें कौन कौन सा जोड़ेंगे एफ जी जी ई बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री किस कारण से आ रही है ठीक है क्लियर हो गया ठीक है अब ठीक है जिसमें अपन ने कौन सा ज्ञात कर लिया एफ जी ई ज्ञात हो गया है ना कितना आ गया है एफ 36 ज्ञात किया ए जी ई ज्ञात किया है अपन ने कितना है 126 प्लस ये ज्ञात करना है एफ जी ई बराबर कितना आ गया 180 डिग्री ठीक है इसको इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा ठीक है तो कोण ए जी ई बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 54 डिग्री ठीक है इस तीनों कोणों की माप जो पूछी थी उसके अनुसार हमने ज्ञात कर ली